दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ नोएडा के लिए। यहाँ पर मुझे कुछ काम वाम नहीं मिला, तो अब मैं जा रहा हूँ नोएडा, अब वहाँ ट्राई करूँगा। तो ये मेरा दोस्त जस्सी है और मुझे छोड़ने जा रहा है स्टेशन पे। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सब कुछ दिखाते जाऊँगा। मेरा छोड़ करके इसके साथ इतने दिन रहा, अटैचमेंट हो गया, चलो इसे फिर मिलेंगे। काम जब और सब लोग इसको फॉलो करना, भाई को हेल्प करना, और फिर मिलेंगे। जब आप लोग हेल्प करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरे सभी भाइयों को विनती करता हूँ, एक बार जरूर लाइक करना इसकी वीडियो पे। थैंक यू भाई। चल ठीक है रोहित, चल यार ना, ठीक है, चल रेट भी उतना मत नीचे थोड़े मत करना है, बच्चों की वहाँ पर ठीक है। चल ठीक, तो हम आ चुके हैं। ये हमारी ट्रेन लग चुकी है गरीब रथ। ये सिर्फ नाम की गरीब रथ है, इसमें सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, क्योंकि इसमें सारे डब्बा एसी है। इसमें स्लीपर और सेकंड सीटिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, पूरे डिब्बे में बस एसी ही, पूरी ट्रेन ही एसी है ये। और ये हमें दिल्ली पहुँचाएगी सिर्फ 16.5 घंटे में, बाकी ट्रेनें पहुँचा रही हैं 24-25 घंटे में, ये 16.5 घंटे में पहुँचा रही है। और सारी कोचेस एसी हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं इसको आपका अंदर का व्यू। हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, अब यहाँ से हम चलेंगे नोएडा की तरफ, और आप बने रहिए मेरे साथ, उसको पूरा जर्नी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मेट्रो स्टेशन पे अब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे मयूर विहार के लिए, और मयूर विहार से फिर हम जाएंगे नोएडा सिटी सेंटर की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये बेसमेंट के अंदर बना हुआ मेट्रो है, ये सलाई कारे खा का ये मेट्रो स्टेशन है, जो कि बेसमेंट के अंदर बना हुआ है, पूरा अंदर बना हुआ है। ये देखिए, ये फाटक भी लगा हुआ है ताकि कोई अंदर रेलवे ट्रैक्स पे कूद उद ना पाए, कुछ भी जंप ना कर पाए, सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। और हमारी ट्रेन यहाँ पर आने वाली है आनंद विहार के लिए, आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बिहार फेज़ 1 स्टेशन, कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ। तो हम यहाँ से ब्लू लाइन की ट्रेन पकड़ेंगे। हम लोग नोएडा सेक्टर 62 में हैं। यहाँ पर हम लोग रूम खोज खोज के बहुत परेशान हो गए, पीजी बहुत ही सब कुछ महंगा मिल रहा है। तो हम चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ, वहाँ पर देखते हैं क्या हाल है। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पर, मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में एकदम ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। हम ग्रेटर नोएडा की तरफ पढ़ते हैं। पहुँच चुका हूँ ग्रेटर नोएडा में, और गौर सिटी 2 के बगल में वृंदावन सोसाइटी है, यहाँ पर हम रहने वाले हैं। 7000 यहाँ का रेट है, कोई डिपॉजिट नहीं, एडवांस में 7000 पे करना है, बिल भी आपको हर महीने पे करना है। तो ये देखिए, यहीं पर हम रहने वाले हैं, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अब ये सोसाइटी है, हम यहाँ पर रहने वाले हैं, और ये देख लीजिए, और यहाँ पर यहाँ से ऊपर आने का रास्ता है। एक रूम में यहाँ पर, एक फ्लैट यहाँ पर है, और एक सामने वाला फ्लैट, 2 फ्लैट है एक फ्लोर के ऊपर, ऐसे टोटल 4 फ्लोर हैं ये। देख लीजिए, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, और ये हमारा वाला फ्लैट है। आप जैसे एंट्री करेंगे यहाँ पर एक किचन मिल जाएगा, ये देखिए किचन है, और 2 नल हैं, एक फ्रेश पानी के लिए और एक टंकी वाले पानी के लिए। और यहाँ वॉशिंग मशीन है, और ये हमारा हॉल वाला एरिया है, देख लीजिए। यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पर हमारा बाथरूम है, ये देखिए, कंबाइंड बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम है, बहुत बड़ा है, स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ से अगर आप यहाँ पर आते हैं, ये हमारा बेडरूम। अब जी देखिए, ये बेडरूम हो गई,
अब इसका रेंट हमें 7000 पे करना पड़ा है एडवांस में, और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह नहीं है, सिर्फ 7000 एडवांस में पे करना पड़ा है। और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, सॉरी, गौर सिटी मॉल के जस्ट पीछे 1 किलोमीटर दूर। तो हम यहाँ रहने वाले हैं 2 लोग, मैं और मेरे फ्रेंड। जो भी होगा प्लीज़ अब मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।